बैक अगेन से। आज की वीडियो में एग्जांपल करने वाले हैं एलडी इन सीसी में, जिसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढना है। इसके पहले भी मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर कैसे ढूंढना है उसके ऊपर वीडियो बनाई है, और उसको उसके रूल्स क्या है लिखने के लिए वो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देकर रखा है, या फिर आई बटन पर क्लिक करो तो वहां से भी आपको वीडियो रेफर कर सकते हो। और ये जो वीडियो है ये प्लेलिस्ट का कंटिन्यूएशन है। अगर कोई चैनल पे नया है तो एलडी इन सीसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, और ये जो वीडियो है ये उसी प्लेलिस्ट का कंटिन्यूएशन है। अगर आपको वो प्लेलिस्ट एक्सेस करना है, और जो दो वीडियो है वो उसी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किए हैं, तो आपको वो वीडियोस रेफर करने वो प्लेलिस्ट एक्सेस करने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देके रखा है, तो वहां से आप जो प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो, या फिर आई बटन पे क्लिक करोगे तो वहां से भी आप जो प्लेलिस्ट है वो रेफर कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। सो यार आज जो हमें सम दिया गया वो इस तरह से है, डी क्यू प्लस डी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। अगर आप देखोगे ये सम में उन्होंने गए वीडियो में जो सम किया था उसमें थोड़ा डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया गया है, और वो जो पुराने वाले सम में कैसे इसके पहले जो वीडियो में था किया सम उसमें कैसे था कि हमें डिफरेंशिएशन विद एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स दिया गया था, जिसमें हमने ये जो डी वाई बाई डी एक्स है सॉरी डी बाई डी एक्स है उसे हमने डी कंसीडर कैपिटल डी कंसीडर कहते हैं, इसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। और डी और डी वाई इस तरह से हमने उस इक्वेशन को कन्वर्ट करके लिखा था, बट यहाँ पे हमें डायरेक्टली रेडीमेड कन्वर्ट करके मिल रहा है इक्वेशन। तो हम डायरेक्टली अगर हम यहाँ इस इक्वेशन को गौर से देखिए तो ये एक एसोसिएटेड इक्वेशन भी है, तो डायरेक्टली हमें मतलब उस जो इक्वेशन को हमें एसोसिएटेड इक्वेशन में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये जो इक्वेशन है वो एसोसिएटेड इक्वेशन में आ जाता है। और इससे हमें और हमें पता है कि जब अगर ये जो इक्वेशन है ये एसोसिएटेड इक्वेशन है, तो ये जो पार्ट है डी स्क्वायर डी क्यू प्लस डी स्क्वायर, अगर हम इसे इक्वल तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो जब हम अगर ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है और जो एसोसिएटेड इक्वेशन में से ये जो पार्ट है डी क्यू प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर दे तो इसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। सो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को वन मान लेता हूँ, और हमें पता है कि अगर हमें सी एफ फाइंड आउट करना है तो हमें ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन की हमें रूट्स ही फाइंड आउट करने होते हैं, तो अभी हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के। सर जिस तरह से मैंने गए वीडियो में बताया था कि अगर आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं तो आप जैसे मैन्युअली करते हो वैसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर का हेल्प ले सकते हो। कैलकुलेटर में हमें क्या करना है मैंने गए वीडियो में बताया था, इस वीडियो में फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ। तो हमें पहले तो नॉर्मल इस मोड में आ जाता है, तो हमें पहले यहाँ पे जो मोड बटन है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें फिफ्थ ऑप्शन चूज करना है, और इसमें अगर देखोगे यहाँ पे डी क्यू पावर है, तो डी क्यू पावर का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, तो मैं फोर्थ क्लिक करूंगा। अभी जो नए भी कैलकुलेटर्स है जो व्हाइट कलर में होते हैं तो उनमें एक पावर रेस टू फोर भी होता है, तो उसमें आई थिंक उसमें थोड़ा सा अलग रहेगा, बट हमें जो पावर है मतलब यहाँ पे डी क्यू पावर तो डी क्यू पावर का ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें ए बी सी डी की वैल्यू सी फिलअप करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे वन है तो हम वन डालेंगे, बी का यहाँ पे वैल्यू वन है, सी यहाँ पे टर्म है ही नहीं मतलब जो डी टर्म है वो है ही नहीं तो ये जीरो हो जाता है, और डी जो टर्म है वो भी कॉन्स्टेंट यहाँ पे इस इक्वेशन में नहीं है तो वो भी जीरो हो जाता है। और हमें जब एंटर करते हैं उसके बाद हमें इक्वल टू प्रेस करना है, तो अगर हम जब इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमें देखिए तो हमें जो पहला रूट आता है मतलब डी हमारा पहला रूट आता है माइनस वन, उसके बाद में सेकेंड रूट है हमारा जीरो, और थर्ड रूट भी आता है हमारा जीरो, थर्ड रूट आता ही नहीं है देखा तो फिर से माइनस वन जीरो, और क्या अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट एक्स जीरो हो जाता है। मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ दो रूट मतलब जो तीसरा जो रूट है वो ये सेम ही होता है, जो सेकंड में दिखा दे एक्स टू में जो दिखा देना वही इसका जो थर्ड रूट है वो एक्स थ्री भी हमारा सेम ही रूट होता है, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स थ्री हो जाता है। तो जो हमारे तीन रूट इस तरह से माइनस वन जीरो जीरो, सो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स है ये रियल है और ये रिपीटेड है, तो मतलब जो सी एफ लिखते वक्त हमें यहाँ पे कंडीशन लिखे थे ये सेकंड कंडीशन में फॉलो हो जाता है, जहाँ पे वो लिखा था कि जब रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, तो हम जब हम उसके सी एफ उसका सी एफ कैसे लिखते हैं, सी एफ इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस टू एम वन एक्स प्लस यहाँ पे एम एक्स लिख सकते हो, या फिर एम और ई रेस टू एम टू एक्स प्लस सी थ्री e रेस टू एम थ्री एक्स प्लस सी फोर, और ये ऑन चलते ही जाता है इस तरह से है। अभी हमें इस इक्वेशन के लिए इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें अगर सी एफ लिखना है तो हमारा सी एफ इस तरह से आता है, सी एफ इज तो यार यहाँ पे जो दो रूट्स रिपीटेड होते हैं उनका पहले हमें सी एफ लिखना है, तो जो टर्म्स लिखने होंगे तो यहाँ पे सी वन प्लस सी टू एक्स और e रेस टू एम एम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि यार ये जो
रूट्स है वो कॉमन है, तो हमें यहाँ पे कॉमन रूट का जो जीरो, हमारा m की वैल्यू हमारी जीरो आती है, तो e रेस टू जीरो एक्स प्लस सी थ्री, सी थ्री हमारा m थ्री, m थ्री हमारा माइनस वन आता है, तो हमारा जो इक्वेशन आता है वो इस तरह से आता है, सी थ्री ई रेस टू माइनस वन एक्स, और ये है हमारा सी एफ फॉर द गिवन इक्वेशन। और यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह से बोला कि मैं पार्शियल इंटीग्रल और पार्शियल सॉल्यूशन का मैं जो टॉपिक है वो मैं आपको आयर सिखाऊंगा, अभी मैं सी एफ भी पढ़ाना सिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे कैसा होता है कि जब हम पार्शियल इंटीग्रल पार्शियल इस इक्वेशन के लिए हम पार्शियल इंटीग्रल का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू के बाद यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे जीरो है, मतलब ये जो सी एफ है वो ही इस एसोसिएटेड इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। सो देयरफॉर मैं लिख देता हूँ इस तरह से, ये जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, जो जनरल सॉल्यूशन है फॉर दिस एलडी, फॉर दिस एलडी इस तरह से आ जाता है। सो अगर अभी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन आता रहेगा आपके माइंड में, यहाँ पे तो अगर यहाँ पे दो रूट्स रिपीट हो रहे हैं, अगर ये तीनों रूट्स रिपीट होते तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए उसके ऊपर मैं अभी और एक सम करने वाला हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखना तो आप लिख लो, उसके बाद में हम दूसरे सम जो सेकेंड सम पे हम जम करेंगे। सो हमारा सेकंड सम इस तरह से आता है, ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस थ्री इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस थ्री इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अगर आप इस इक्वेशन को अगर कंपेयर देखोगे तो ये प्रीवियस इक्वेशन से थोड़ा अलग लगेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस इक्वेशन में हमें डायरेक्टली डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में दिया था, ये जो इक्वेशन दिया गया है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में नहीं है, तो हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो जिस तरह से मैंने बताया कि हम हमेशा राइट से लिखो जिससे कि आपको आसानी हो जाए लिखने के लिए डिफरेंशियल ऑपरेटर, और डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और समझो अगर डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से अगर टर्म हो तो ये डी बाई डी एक्स ये हमारा कैपिटल डी है, ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो अभी मैं सारे इस इक्वेशन में जितने भी डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स है उनको मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर में विद रिस्पेक्ट टू ऑफ देयर ऑर्डर, मैं ऑर्डर मतलब इसकी जो पावर हो जाएगी तो मैं उसमें कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। सो देयरफॉर इस तरह से जब हम जो भी सारे डी वाई बाई डी एक्स के जो टर्म्स थे उसके रिस्पेक्टिव पावर्स के साथ मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर्स लिख दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स को डी डी आता है, डेरिवेटिव ऑफ टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डी स्क्वायर आता है, थ्री टाइम डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डी क्यूब आता है। तो मैं इस इक्वेशन को मैं वन मार्क करता हूँ और इस इक्वेशन को मैं टू मार्क कर लेता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमें इक्वेशन इस तरह से मिलेगा, हमें इस तरह से इक्वेशन मिल जाता है जब हमने फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से हमें इस तरह से इक्वेशन मिल जाता है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, बट ठीक है इट्स ओके, आप एडजस्ट कर लोगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। अभी भी अगर इस इक्वेशन को गौर से देखोगे तो ये अगर हमें क्या चाहिए, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, बट ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एसोसिएटेड इक्वेशन चाहिए, बट अगर ये देखोगे तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम इसे ला सकते हैं अगर हम जो यहाँ पे जो वाई टर्म्स है उनको सबको कॉमन लेके सेपरेट कर दूंगा, तो अभी हम वही चीज करेंगे, वाई को हम कॉमन ले लेंगे। सो इस तरह से इक्वेशन आता था जब हमने वाई का जो टर्म है उसे हमें बाहर ले लिया। अभी हमें इस इक्वेशन का अगर देखोगे तो ये इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है। तो अभी हमें एसोसिएटेड इक्वेशन में से ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सा होता है, ये जो ब्रैकेट में टर्म होता है ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, जिसे मैंने इस मतलब इस कोर्स के लिए मैं इसको ए से डिनोट करूंगा। सो देयरफॉर आर ए इज, तो हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरह से आता है, डी स्क्वायर माइनस प्लस थ्री डी, यहाँ पे प्लस डी आएगा और यहाँ पर मैं फिर से बता हूँ, सो इस तरह से आता है डी क्यूब माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी माइनस वन इक्वल टू जीरो, इस तरह से हमारा ए ही आ जाता है। तो अभी हमें पता है कि अभी इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें रूट निकालने गए जिससे कि हम इस इक्वेशन का सी एफ फाइंड आउट कर सके। सो अभी अगर हमें इसके रूट्स निकालने, तो मैंने जैसे बताया कि आप ट्रेडिशनल मेथड से भी आप मैनुअली भी कर सकते हो या फिर कैलकुलेटर से कर सकते हो, कैलकुलेटर इज द बेस्ट वे क्योंकि उसमें एरर्स भी कम होते हैं और आपका जो कैलकुलेशन है वो भी फास्ट हो जाता है। तो अभी हम कैलकुलेटर सॉल्व देखेंगे कि कैसे हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो हमें पहले जब कैलकुलेटर ऑन करोगे तो मोड में जाना है, उसके बाद में ऑप्शन फाइव
इक्वेशन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा थर्ड डिग्री मेरे यहाँ पे फोर्थ है, नए वाले कैलकुलेटर में थोड़ा सा अलग ऑप्शन रहेंगे, बट यहाँ पे हमें सिर्फ डिग्री देखना है। तो वहाँ पे एक्स क्यूब का डिग्री रहेगा, तो उस ऑप्शन में जाके वो क्लिक करना है आपको। मैंने ये जो चीज़ें हैं वो मैंने इसके गए वीडियो में बताया था। सो डी क्यूब, तो यहाँ पे डी क्यूब के बाद साथ कौन से एक कॉन्स्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे वन लिख देंगे। यहाँ पे माइनस थ्री से साथ लो जो साइन है वो भी कंसिडर करो। उसके बाद में यहाँ पे प्लस थ्री डी है, तो सी की वैल्यू हमारी प्लस थ्री आएगी। उसके बाद में हमारी जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो है माइनस वन और जीरो तो इक्वल टू जीरो। तो हमारा जो रूट है वो हो सकता है एक्स इक्वल टू वन, और अगर आप फिर से इस पर इक्वल टू दबाओगे तो एक्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो रूट्स है, इसके जो रूट्स है ये सारे सेम रूट्स है, मतलब सारे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू इक्वल टू एक्स थ्री इज इक्वल टू वन, तो इस तरह से आता है। तो इसके जो रूट्स है देयरफोर हमारे जो ए के रूट्स है वो रियल एंड रिपीटेड रूट्स आए हुए हैं। यहाँ पे जो रिपीटेड रूट्स है वो तीनों के तीनों रूट्स रिपीटेड आए हुए हैं। तो ये जो हम अगर इसका इस इक्वेशन का सी एफ लिखना है तो ये भी सेकंड इक्वेशन में सेकंड रूल में ही फॉल होता है जो मैंने सी एफ में मतलब रूल्स टू राइट सी एफ जिसमें मैंने लिख के दिया है, तो उसी का ये एक सेकंड रूल का कोरोलरी है कि अगर सारे अगर हमारे इक्वेशन के जो रूट्स है वो अगर रिपीटेड होते तो हम किस तरह से हमें सी एफ लिखना है। उसका जनरल इस तरह से होता है, सी एफ जनरल अगर सिंटैक्स देखना है तो इस तरह से होता है सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स, जहाँ पे हमारा m है वो है रूट्स, जो कॉमन रूट है वो हमारा m आ जाएगा, तो वो है। बाकी सी वन सी टू एक्स सी थ्री एक्स, अगर इससे अगर आपको अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि चार रूट्स अगर हो गए पांच रूट्स अगर सेम हो गए तो ये सिर्फ यहाँ पे जो पावर है वो बढ़ते जाने की है। और जो जितने भी टर्म्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर फोर रूट्स क्या आते हैं मतलब सेम आते हैं रिपीटेड आते हैं, तो हमें सी वन सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स प्लस सी फोर एक्स क्यूब लिखना है, और उसके बाद में जो कॉमन रूट है ई रेस टू एम एक्स इस तरह से लिखने का है। तो अभी अगर हमें इस इक्वेशन का अगर सी एफ लिखना है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए अच्छे से। सो देयरफोर अगर मुझे इसका सी एफ लिखना है तो सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ई रेस टू एम एक्स, तो यहाँ पे जो हमारा एम एम की वैल्यू क्या है हमारी वन है, तो हम यहाँ पे इरेस टू वन एम एक्स लिख देंगे और ये है हमारा सी एफ, ये है हमारा सी एफ फॉर दिस इक्वेशन। बट हमें इस हमें जिस तरह से मैंने गए वीडियो में बताया था यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन दिया गया वो इक्वल टू जीरो है, मतलब हमें इस इक्वेशन का हम पार्शियल जो इंटीग्रल है पार्शियल सॉल्यूशन है वो भी जीरो आता है। उसके ऊपर मैंने पहले ही बताया कि यार पार्शियल इंटीग्रल पार्शियल सॉल्यूशन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं पहले बोला मैं सी एफ अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद में हम पार्शियल इंटीग्रल पार्शियल सॉल्यूशन अच्छे से सॉल्व कर सको। सो मैंने यहाँ पे आपको सी एफ अभी इसी तरह से सी एफ आता है, तो हमें जिस तरह से पता है कि एफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो, सो देयरफोर जो पी आई है वो भी जीरो आता है। सो देयरफोर जनरल सॉल्यूशन भी सेम ही आएगा सी एफ जैसे। जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन इज y इक्वल टू सी वन वाई इक्वल टू इंटू ब्रैकेट सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। सो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही है, होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिली जाए। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।